जी बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? किसका फोन था? पुलिस स्टेशन से फोन था। एक और डेड बॉडी मिली है, लाश की पहचान भी नहीं हो पा रही है और कोई कोई लेने भी नहीं आया। पुलिस का कहना है कि अंजलि, शायद हमारी अंजलि हो। बेटा उठो, चलो जल्दी उठो, सुबह हो गई है। चलो उठो, उठो जल्दी जल्दी उठो, उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग बच्चा। चलो चलो अब रेडी हो जाओ। गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल। जल्दी उठो जल्दी उठो। This is brush. Tina, which color? Pink. Very good. And? Green. Green. Chalo. अब मम्मा टीना को स्टोरी सुनाएगी। स्टोरी सुनेगी ना टीना? हाँ मम्मा। कौन सी स्टोरी सुनेगी? पापा तुम अंदर जाओ। बेड नहीं, टीवी। टीवी के अंदर बेड। ओ करे स्मार्ट टीना। जो टीवी के अंदर रहता है वो सब झूठ मूठ रहता है, सपने में भी झूठ मूठ रहता है ना मम्मा? क्या आपकी बेटी हमेशा ऐसे ही रहती है? इधर आओ। आपकी सामान के मम्मा के पास आओ। हमेशा से ये कमरा ऐसे खाली नहीं होता। वेरी गुड। अंजलि गई है। ऐसा नहीं है टीना, टीवी में सब कुछ झूठ नहीं होता, सच भी होता है। वो देखो, वो पेड़ दिख रहा है?
वो देखो वो बर्ड्स और वहाँ वो रिवर है ना, वो सब कुछ सच होता है। तुम्हें जाना है वहाँ? हाँ मम्मा। एक दिन तुम जरूर जाओगे, मम्मा का प्रॉमिस है, पिंकी प्रॉमिस। अपनी बच्ची से किया वादा मैं जरूर पूरा करूंगी। 7 सालों से इस कमरे में कैद मैं धीरे धीरे बुझ रही हूँ, खत्म हो रही हूँ। चारों तरफ गुलामी, दर्द, अंधेरा और खौफ। मैं अब तक मर चुकी होती अगर मेरी बच्ची मेरी जिंदगी में नहीं आती। इस कैद से और इस हैवान से मुझे मेरी बेटी के सिवा और कुछ नहीं मिला। अब उस हैवान की नजर मेरी बच्ची पर है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपनी बच्ची को इस गुलामी से बाहर निकालूंगी। पिछले 5 सालों से मेरी यही कोशिश रही है। गुड मॉर्निंग मम्मा। अरे उठ गया, गुड मॉर्निंग। ये देख 5 सालों में कितना बड़ा हो गया। बस कुछ ही टाइम बाद तू यहाँ से निकल पाएगी, उसके बाद बाहर की दुनिया देख पाएगी बिल्कुल वैसी जैसे टीवी में। मम्मा मुझे भूख लगी है। हो भूख लगी है? चल हम दोनों तैयार होते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं। हाँ और उसके बाद फिर प्रैक्टिस भी तो करनी है। प्रैक्टिस? ओहो यहाँ से बाहर जाके तू क्या करने वाली है, उसकी प्रैक्टिस भी तो करनी है ना। हाँ चल। स्टेप 1, आपको हाथ ऐसे रख के और अपने आप को आगे मूव करना है। वेरी गुड। उसके बाद आपके फेस पे ना लाइट आएगी, सनलाइट, लेकिन डरना नहीं, ओके? और फिर आपको पता है ना कि वहाँ जाके आपको क्या बोलना है, वहाँ जाके आपको भागना है, ठीक है? और सबसे पहले किसके पास जाना? पुलिसमैन के पास। पुलिसमैन? हाँ। और उनको क्या बोलोगे? हेल्प हेल्प अरविंद राणे, अरविंद राणे, एलजीआई कॉलोनी, एलजीआई कॉलोनी, कांदिवली, कांदिवली। ओके करोगे ना आप जैसे मैंने सिखाया, बिल्कुल वैसे ही करोगे ना? देखो तुझे पता है ना यहाँ से बाहर निकल के तुझे क्या करना है, तब तक भागते रहना जब तक बहुत सारी गाड़ियां नहीं दिखे, और उसके बाद खाकी वर्दी में किसे ढूंढना है? पुलिसमैन। वेरी गुड। और क्या बोलूंगी उनसे? हेल्प अरविंद राणे नानू, बिल्डिंग नंबर 10, एलजीआई कॉलोनी, कांदिवली। वेरी गुड। एक हफ्ते में वो वापस आ जाएंगे, तब उन्हें पता चल जाएगा कि तू यहाँ नहीं है। उससे पहले तुझे नाना नानू के पास पहुंचना है। जितना हो सके उतना फास्ट भागकर यहाँ से दूर जाओगी, ओके? सब ठीक हो जाएगा, प्रॉमिस। जाओ बेबी, जल्दी जाओ। गुड गर्ल, क्या हुआ? ए सुनो, डरना मत, ओके बेबी? जा, जाओ। नहीं जाना मम्मा। नहीं बेटा, जाओ। जी आपने छुट्टा नहीं लिया अपना? नहीं मैंने लिया ना। नहीं लिया, आप देखिए एक बार।
है मेरे पास। बस 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 की हेल्प करनी है ना। बताओ बेटा। पापा। उमेश कहाँ है? उमेश तो उधर। मैं आपके बेटे उमेश के बारे में पूछ रहा हूँ, उमेश कहाँ है? वो तो 4 साल का है। देखिए, मुझे नहीं पता है कि आप वाकई याददाश्त खो बैठी हैं या अपने बेटे को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। जो भी है, अपने बेटे को हमसे छुपाकर आप उसी के लिए और मुसीबत पैदा कर रही हैं। मुझे उमेश से बहुत जरूरी बातचीत करनी है। बताइए कहाँ है वो? सर, कुछ नहीं मिला सिवाय इस एड्रेस के। नवी मुंबई में गोडाउन है। ए, चल चल चल, रुक नहीं सकते हम यहाँ पे। पुलिस पीछे पड़ी हुई है अपने। पता नहीं कैसे पता पड़ गया उनको। अरे उठना टीना। अरे तू बैठी क्या, उठ। टीना कहा है? बच्ची कहा है? उठ उठ। भगा दिया सर, निकाल दिया। कैसे कैसे निकाला, कैसे भगाया? नाकाबंदी लगा दो। नवी मुंबई से कोई भी गाड़ी आ या जा ना पाए, नजर रखो। अंजलि, उठाओ उसको। अंजलि, अंजलि तुम ठीक हो? अंजलि द्वारा सहे गए अत्याचार स्वरूप में शारीरिक जरूर थे, लेकिन उसने अधिक नुकसान पहुंचाया अंजलि के मन को। 7 सालों तक दी गई यातनाओं ने अंजलि के अंतर मन पर गहरे घाव छोड़े थे, जिन्हें शायद भरने में काफी वक्त लगने वाला था। बहरहाल, बहुत कुछ खोकर भी आखिरकार अंजलि ने अपनी आजादी पाई।
अंजलि के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? अकेला उमेश नहीं, जागरूकता के अभाव में अज्ञानता का पनपना भी इस त्रासदी का मुख्य कारण है। अंजलि एक सुलझी हुई, होनहार और आज्ञाकारी लड़की थी। उसे जीवन में सफलता के लिए हर जरूरी सीख दी गई थी, सिवाय सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा के। काश अंजलि को स्वरक्षा का जरा सा भी इल्म होता तो वो बेशक उमेश से अपना बचाव कर पाती। वक्त आ गया है कि हम अन्य किस्म की शिक्षाओं के साथ साथ सेल्फ डिफेंस की शिक्षा को भी महत्व दें, ताकि फिर से कोई अंजलि लाचार और असहाय होकर अपनी आबरू और अपनी आजादी न खो बैठे। आइए स्वतंत्रता के इस मूल्य को फिर से पहचाने और इसकी रक्षा करने का प्रण लें। याद रखें, हिम्मत के बिना इंसान आजाद नहीं है और आजादी के बिना इंसान जीवित नहीं है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।